खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के शासन सचिव ने एक पत्र जारी कर प्रवासी माइग्रेट व्यक्तियों को खाद्यान्न सहायता व अन्य विशेष श्रेणियों के परिवारों को सर्वे करवाए जाने के आदेश जारी किए हैं। शासन सचिव के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रेषित पत्र के अंदर यह निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को छोड़कर दैनिक रूप से अपनी आजीविका कमाने वाले परिवारों का रोजगार कोरोना वायरस के कारण 50 दिन के लॉकडाउन के कारण छिन गया है। राज्य सरकार द्वारा विशेष श्रेणियों व प्रवासी व्यक्तियों को लाभ देने के लिए यह सर्वे करवाने का निर्णय लिया गया है। इस पत्र के जरिए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन प्रवासियों की सूचना फार्म नंबर 4 के आधार पर उपलब्ध है उनका पुनः सर्वे किए जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके डेटाबेस में आधार जन आधार नंबर दर्ज किए जाएं। जिला कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि सर्वे हेतु कोई भौतिक प्रपत्र काम में न लिया जावे, केवल मोबाइल ऐप या ई मित्र क्योसक के माध्यम से ही सर्वे करवाया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे जिला कलेक्टर द्वारा राहत विभाग आपदा प्रबंधन हेतु गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप या BLO के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगरीय निकायों यानी नगर परिषद नगर पालिकाओं एवं BLO के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंदर परिवार मोबाइल ऐप ई मित्र पर जाकर स्वयं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों में सर्वे को किस प्रकार करवाया जाएगा और क्या आगे कार्य योजना रहेगी, जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ से इस वीडियो के माध्यम से आप भी सुने। सरकार ने जो माइग्रेंट्स जो बाहर से राजस्थान में आने वाले हैं उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए या इंटरस्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया या इंट्रास्टेट वाले हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले उनके लिए जो प्रवासी लोग हैं जो श्रमिक है उनके लिए योजना शुरू की है ताकि वहाँ से आने वाले व्यक्ति को या यहाँ भी जो रह रहा है बाहर का बाहर किसी दूसरे राज्य का तो उसको खाद्यान्न उपलब्ध उसके कोई भूखा ना सोए इसके लिए सरकार ने ये शुरू किया है। और इसके अंदर अभी लगभग 37 कैटेगरीज के स्पेशल कैटेगरीज के लोगों का भी इसमें सर्वे किया जाना है। सर्वे का जो आधार रहेगा वो फार्म नंबर 4 जो BUIT के द्वारा तैयार किया जाएगा उसमें जो माइग्रेंट्स हैं उनको बेस बना करके उनका सर्वे किया जाएगा। उसमें उनका जो जन आधार नंबर है वो उसमें एंटर करके उसका पूरा सर्वे मैकेनिज्म तैयार करके 25 तारीख तक ये कार्य हमें पूर्ण करना है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? जैसे इसमें अलग अलग कैटेगरीज है जिसके अंदर कोई हेयर सैलून वाला हो गया, कपड़े की धुलाई वाला हो गया या बॉडी वाला हो गया, जो लोग रेस्टोरेंट में जो काम करते थे ठीक है वो लोग इस तरह से कुल मिलाकर 37 कैटेगरीज है। जैसे रद्दी बिकने वाला व्यक्ति है, वो फर्नीचर का काम करने वाला श्रमिक है, वो व्यक्ति एक्चुअल में वो काम कर रहा था और किसी कारणवश लॉकडाउन के दौरान उसको कार्य नहीं कर पाया, ऐसे व्यक्तियों का सर्वे किया जाना है। COVID-19 कोरोना वायरस की परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से बंद हुए उद्योग धंधों एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों की श्रेणियों को भी इस पत्र के जरिए दर्शाया गया है, जिसमें 36 तरह की श्रेणियों को इसके पत्र के अंदर अंकन किया गया है और 37 नंबर बिंदु पर अन्य को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। सूची में प्रिंटिंग प्रेस को जरूर शामिल किया गया है, परंतु समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो संवाददाता के रूप में पत्रकार काम कर रहे हैं इनका कहीं भी इस पत्र के अंदर जिक्र नहीं है कि उनको इस श्रेणी के अंदर शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उनको भी इस श्रेणी में शामिल करते हुए सहायता सरकार की तरफ से जो दी जाएगी उसमें शामिल करना चाहिए। सभी प्रवासियों को उचित मूल्य दुकान से गेहूं वितरण किया जाएगा और सर्वे पूर्ण होने के बाद प्रवासियों की संख्या को उचित मूल्य दुकानों के मैपिंग कर विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और उसके अनुसार ही गेहूं का आवंटन किया जा सकेगा, यानी जो भी गेहूं मिलेगा वो उचित मूल्य की दुकान से इन श्रेणियों को दिया जाएगा। उधर दूसरी ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के इस पत्र के अनुक्रम में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा
प्रभारीधिकारी और सहायक प्रभारीधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। वो इन प्रभारीधिकारी और सहायक प्रभारीधिकारियों के निर्देशन में सर्वे का कार्य संपन्न जिले के अंदर करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा सभी SDM को सातों ब्लॉक के अंदर प्रभारीधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनकी सहायता के लिए सहायक प्रभारीधिकारी EO नगर पालिका व BDO पंचायत समिति सभी ब्लॉक के अंदर इनको नियुक्त कर आदेश दिए हैं कि सर्वे का कार्य निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से कर लिया जावे। आपको बता दें कि फार्म नंबर 4 के आधार पर जिलों में पहले से उपलब्ध सूचियों के आधार जन आधार नंबर दर्ज करने की कार्रवाई 25/5/2020 से पूर्ण करने के आदेश जारी किए हुए हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।